आप ये जो है सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि क्या चांद ग्रहण जो होता है, चांद ग्रहण के दौरान क्या हामिला औरत को चलते फिरते रहना चाहिए, वो बैठ नहीं सकती, क्या ये दुरुस्त है? अवामी बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे चलेगी फिरेगी नहीं तो नमाज कैसे पढ़ेगी यार? हामिला को नमाज माफ थोड़ी होती है। खाना खाएगी कि नहीं, वुज़ू के लिए उठेगी कि नहीं, बांध के डाल दोगे कोने में? ये भी कहा जाता है कि चांद ग्रहण के दौरान कोई चीज काटनी नहीं चाहिए, मसलन जैसे कपड़ा नहीं काटा जाए, कोई और चीज छुरी से ना काटी जाए, क्या ऐसा भी है कुछ? सरकार आप तजर्बा कर लो, चांद के जब हो ना कुछ काट लो, समझे, मुर्गी जबा कर लो, कपड़ा काट लो, मेरे को बता देना क्या हुआ। ये ना वो सो सुनार की एक लुहार की, वो खाली खाली जिसकी जो समझ लो चीखते रहते। क्या सबको पता होता कि चांद गहन हो रहा है? अरे को थोड़ी पता होता है। तो क्या काट पीट नहीं कर, सब्जी नहीं कटती होगी, होटलें सारी बंद हो जाती होंगी, क्या क्या कटता होगा इसमें? कपड़े की दुकानें सारा सन्नाटा हो जाते, क्या कपड़े नहीं काटते, दर्जी की हड़ताल पे उतर जाते। तो ठोकम ठोक आवाम जो मतलब वो बोला अल अवामो कल अनाम, ये किसी ने कहावत सही बनाई है, अल अवामो कल अनाम, यानी अवाम चार पांव वाले चांदों की तरह होती है, चौपाइयों की तरह। ये मुहावरा है किसी का, यानी इस तरह की अवाम जो शरीयत को पसे पुश्त डालकर पीछे रख के अपनी मत तवहुम परस्ती और इस तरह की बातें, वहम परस्ती और ऐसे वहमात वाली बातें, वो खाली छींकते रहते, आंकते रहते, खुद भी बचते नहीं होंगे। कोई तो कुछ काटता होगा ना यार। अब कोई कोई आपको एप्पल का पीस काट के चांद गिन की तरफ दे, काटा के नहीं दांत से, अरे क्या होएगा? या तो दांत की खैर नहीं है या हाथ की खैर नहीं है, और दोनों ही की खैर है इंशाल्लाह। चांद गहन में खाना थोड़ी, खाने से भी खाना कटता ही है ना, दांत जो है ये काटते ही है ना, इधर के दांत जो होते कीले जिसको होते, ये कुचलते हैं, ये जो ना ये कुतरते हैं, काटते हैं। यानी जो चीज कैंची से काटी जाए, जैसे छुरी से, उसको बोलते हैं कैंची से कतरना, और दांत से होता है कुतरना, ये उसका फर्क है दोनों का, कतरना कुतरना। चूहा क्या करता है? कुतरता है, टुकड़े करता है। तो वारा लेगा, अवाम अवाम है यार, इसी बातों पर कान भी नहीं धरना चाहिए जो अल्लाह रसूल ने फरमाया वो ये हक है। हाँ, हमारे उलमा जो हमें इस तरह की बातें जो कुरान और हदीस से इन्होंने सीखी होती हैं, ये बुजुर्गों से सीखी होती है, वो हमें बताते हैं, वो सही होती है। बाकी आम लोगों की बातें, हर दाढ़ी वाला जो होता है वो आलिम नहीं होता, आलिम बनता है इल्मे दीन से। खाली दाढ़ी रख लेने से या इमामा पहन लेने से ही जरूरी नहीं कि हजरत अल्लामा बन गए, ऐसा नहीं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।